आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हज दरखास्तें जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। सरकारी हज कोटा के तहत 66,310 दरखास्तें जमा हो चुकी हैं, जबकि स्पॉन्सरशिप के तहत 3,156 दरखास्तें मौसूल हुई। लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद के लिए हज पैकेज 10,75,000 रुपये रखा गया है। अहम खबर है आप तक पहुंचाने के, हज दरखास्तें जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। सरकारी हज कोटा के तहत 66,310 दरखास्तें जमा हो चुकी हैं। अपडेट लेंगे, राहील अली हमारे साथ हैं। राहील बताइएगा, हज के हवाले से जो दरखास्तें जमा करवाने का आखिरी रोज है और इस वास्ते वजारती मजलिस अमूर ने पहले जो आखिरी डेट दी थी वो 12 दिसंबर थी, जिसके बाद 10 रोज मजीद बढ़ाए गए थे और आज जो है उसका आखिरी रोज है। बताया जा रहा है कि अब तक तकरीबन 66,000 से ज्यादा दरखास्तें जो है वो जमा हो चुकी हैं, जिसमें जो है वो 3,000 से ज्यादा स्पॉन्सर के हवाले से जो है वो दरखास्तें जमा की गई हैं। इस साल क्योंकि हज 1,00,000 रुपये सस्ता किया गया है तो लाहौर इस्लामाबाद और मुल्तान से जो है वो हज जो है वो 10,75,000 रुपये में जो है वो कर सकेंगे। तो आज अभी तक जो है वो तौसी नहीं की गई हज दरख्वास्तों के हवाले से। आज आखिरी रोज है और हज के ख्वाहिशमंद अफराद जो है वो आज की डेट तक अपनी दरख्वास्तें जो है वो जमा करवा सकते हैं जी। ठीक है राहील अली, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे कि स्पॉन्सरशिप के तहत 3,156 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। सरकारी हज कोटा के तहत 66,310 दरखास्तें जमा हो चुकी हैं, जबकि इस हवाले से लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद के लिए हज पैकेज 10,75,000 रुपये रखा गया।